छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। कुछ ऐसा ही नजारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई नगर विधानसभा में स्थित आमदी हुडको में देखा गया, जहां आमदी स्कूल में एक 72 वर्षीय वृद्धा श्रीमती शहनाज बेगम, जो पिछले कुछ दिनों से शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने अपनी बहू के साथ मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैंने तो अपना मतदान कर दिया। और आप लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का स्वागत है। जी हां, बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो रहा है। आज दोपहर के इस वक्त 12 से 1 बजे का टाइम है। बीच में मैं अपना मतदान करने आई हुई हूँ। फील्ड से लौट के इस वक्त जब मैं मतदान करने आई हूँ, साथ में मेरी 72 वर्षीय सासू माँ है। जी हाँ, इनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने बोला था, लेकिन इन्होंने बोला कि आज मतदान करना है और मैं अपना वोट डालने जाऊंगी। इनसे जब मैंने पूछा कि आज क्या है, तो उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव है का मतलब मतदान का तीसरा चरण है, इतना इनको याद है। तो देख सकते हैं आप, सभी लोगों में इतना रुझान है। अम्मा को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, उसके बावजूद भी अम्मा आज अपना वोट डालने आई है और वो महसूस करती है कि वो हिंदुस्तानी है।